बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए आज चर्चा करते हैं अर्जुन की सफलता की तीन कुंजी, अर्थात अर्जुन की सफलता की तीन चाबी। वे कौन कौन सी चाबी थी अर्जुन के पास जिनके माध्यम से उसे हर जगह सफलता प्राप्त होती थी, आइए विचार करते हैं। इसके लिए हमें अर्जुन के थोड़ा सा जीवन चरित्र देखना होगा। अर्जुन में ऐसा क्या था? फर्स्ट बात अर्जुन में थी जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी कुछ सीखने की चाह, कुछ पाने की चाह। जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है, तब हम कुछ सीख पाते हैं। आइए समझते हैं जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है और जिज्ञासा कब उत्पन्न होती है, इस बात को भी समझना होगा। जिज्ञासा वहां उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु का हमें ज्ञान हो जाता है और वह ज्ञान अधूरा होता है, पूर्ण नहीं होता। उस अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। यदि उस अधूरे ज्ञान को बहुत से लोग पूर्ण समझ लेते हैं तो नास्तिक हो जाते हैं, वो अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं और गलत दिशा में जाने लगते हैं। यहां इस बात का ध्यान रखना है, जैसे शास्त्रों का ज्ञान यदि किसी को अधूरा ज्ञान हो गया तो अर्थ का अनर्थ करेगा और गलत दिशा में ले जाएगा, स्वयं भी जाएगा, उपदेश भी गलत देगा और स्वयं भी गलत दिशा में जाएगा, दूसरों को भी गलत दिशा में ले जाएगा, यह उस अधूरे ज्ञान का कारण होगा। और अधूरा ज्ञान यदि हम अधूरे ज्ञान से परिचित हैं, हमारे पास में उस वस्तु का, उस चीज का, उस विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं है और हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे कहते हैं जिज्ञासा। तो यदि हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तो हम उस ज्ञान की खोज में निकलेंगे, उस ज्ञान को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करेंगे और जब तक वह ज्ञान हमें पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो जाए तब तक हम उसे खोजते रहेंगे। अच्छा, जिस वस्तु का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता या कुछ भी ज्ञान नहीं होता, जिस वस्तु का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस वस्तु को, उस विषय को जानने की हमारे अंतरात्मा में, हमारे बुद्धि में, मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। जब तक किसी वस्तु का थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान होगा और उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हम, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, हम चाहेंगे कि इस वस्तु का हमें और भी ज्ञान हो तो जिज्ञासा होगी, और जिस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है उस वस्तु की चाहने की, उस ज्ञान की हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं। और यदि आधा ज्ञान पाकर के हम उस आधे ज्ञान को पूर्ण मान लें तो नास्तिकता आ जाएगी। तो अर्जुन के अंदर कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा थी। अर्जुन पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास हुआ, एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ, अर्जुन ने तप किया, जिज्ञासा थी किस चीज की, कुछ प्राप्त करने की, दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए, पशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या किया, इंद्र लोक तक गए विद्या सीखने के लिए, अर्थात जिज्ञासा थी। तो अर्जुन के अंदर हर वस्तु को पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, जिस विषय की जिज्ञासा होती थी उस विषय को वह संपूर्ण ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं कर लेता था तब तक उसका पीछा नहीं छूटता। यह अर्जुन की पहली चाबी थी।
अर्जुन की दूसरी चाली क्या थी आइए समझते। अर्जुन को अपनी एक बात महत्वपूर्ण है हमारे अंदर, हम यदि गलती कर रहे हैं, कहीं हम चूक गए, हमसे गलती हो गई, यदि हम उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, हमें आगे उस विषय को सीखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। यदि हम किसी भी कार्य में गलती करने के बाद उस गलती को स्वीकार यदि नहीं करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार जाता है और अहंकार के कारण हम उस विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकते। अर्जुन के अंदर कहीं भी यदि चूक जाता था, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था, मेरे से गलती हो गई है, उस गलती को स्वीकार करने की क्षमता दिया, बहुत बड़ी बात होती, हर व्यक्ति के अंदर यह क्षमता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। यदि आपके अंदर अपनी गलती स्वीकार करने की क्षमता है तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपके अंदर अपनी गलती को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, अहंकार है, एक बात ध्यान रखिएगा, संसार में ऐसा कोई विषय नहीं है जो संकुचित ज्ञान हो, जिसका जिस ज्ञान को तुम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सको, ऐसा कोई भी विषय नहीं। डॉक्टर, मास्टर, वकालत, अदालत, कहीं भी आप जाइए, कोई भी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। डॉक्टर भी आगे पढ़ता है, आगे पढ़ने को जब पढ़ता है, डॉक्टरी पढ़ता है, तो डॉक्टरी पढ़ने के बाद में वो एक विषय पर संकुचित हो जाता है, अमुक अंग का स्पेशलिस्ट है, या आंख का डॉक्टर है, या कान का डॉक्टर है, अर्थात वह एक अंग में संकुचित होना पड़ता है, उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की उसकी क्षमता नहीं होती, हमारे अंदर भी नहीं, आपके अंदर भी नहीं, किसी के अंदर नहीं। संपूर्ण ज्ञान जब प्राप्त नहीं कर पाता मनुष्य, इसलिए उसे कोई खास दिया जाता है कि इसको तुम पूर्ण कर लो। जैसे बोले आंख का डॉक्टर है, बोले कान का डॉक्टर है, बोले हृदय रोग विशेषज्ञ है, बोले हार्ट डॉक्टर है, ऐसे वकील का 302 की वकालत करता है, कृषि भूमि की वकालत करता है, केस मुकदमा लड़ाई झगड़े का अलग अलग सर्कल होते वकीलों में भी। और जो वकील, जो डॉक्टर अगर समझता है कि ना मैं तो का वकील हूं, सब जानता हूं, सबसे बड़ा मूर्ख है वो, उसके बराबर अर्थात वो कभी अपने मुंह से कहता है कि मैं सब जानता हूं, तो जे मान लो वो कुछ भी नहीं जानता, वो किसी मतलब का नहीं है, ध्यान दीजिए। तो यदि आपके अंदर उस विद्या का जरा सा भी अहंकार आ गया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दूसरे को भी गलत दिशा में ही ले जाएंगे, अर्थात आप में अपनी गलती स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, तो आपके आगे बढ़ने के रास्ते में ताला लग गया। अर्जुन के पास ये नहीं था, अर्जुन जब भी गलती करता था अपनी गलती को स्वीकार करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु मधुसूदन केशव मुझसे गलती, आप कृपा कर रहे हैं। अर्जुन देखिए यह सबसे बड़ी बात होती है, तो दूसरी चाबी अर्जुन की क्या थी, अपनी गलती को स्वीकार करना अर्थात मान लेना। हर व्यक्ति में यह क्षमता नहीं होती, क्योंकि उसे अहंकार उस ओर नहीं ले जा सकता। यदि अहंकार ना हो
तो युवा भक्ति वहां जाएगा। अर्जुन के अंदर, पांडवों के अंदर अहंकार नहीं है। उसी गुरुओं के चेले थे पांडव जिस गुरुओं के चेले थे दुर्योधन। एक ही गुरु पढ़ाते थे, एक ही गुरु से शिक्षा सबने प्राप्त की है, मगर सबका अलग अलग स्वभाव, सबका अलग अलग कार्य। आगे हम बताएंगे, एक बहुत बड़ा रहस्य बताएंगे इस युद्ध स्थल का। कुछ ही समय के बाद में गीता के अंदर हम चलेंगे और गीता का जब उपदेश देंगे आपको, तो ये सारी चीजें वहां आपको बताई जाएंगी। अर्जुन की ये दो चाबी हो गई, तीसरी चाबी और जान लीजिए, अर्जुन के पास एक चाबी और थी। वह चाबी क्या थी? दीनता। भगवान किस पर दया करते हैं? तीनों पर। जिसके पास दीनता होती है, हम बड़े हैं, दीनता मतलब छोटे बन जाना, दीनहीन बन जाना, शरण में आ जाना, या दीनता है, प्रभु हम आपकी शरण में हैं ना। दुर्योधन के पास तो भगवान गए थे, बोले पांच गांव दे दो, बोले नहीं देना, तो शरणागत नहीं हुआ, अहंकार था। और पांडवों के पास, अर्जुन के पास दीनता थी। कोई भी समय आता था, बात आती थी, दीनहीन हो जाते थे। कभी भी एक बात ध्यान दीजिए, ज्ञान जल जैसा ऊंचाइयों से नीचे की ओर जाता है, इसलिए कहा गया है गुरु की आसन से शिष्य की आसन नीची रहना चाहिए। क्योंकि आपको ज्ञान मिलेगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से बहता हुआ ज्ञान आपके हृदय में प्रवेश करेगा, ना कि नीचे से ऊपर आपके पास चलेगा। मान लीजिए आपकी गद्दी ऊपर लगी है, आपके गुरु भी नीचे बैठे हैं, मान लो आप धनवान हैं, पैसे वाले हैं, पद प्रतिष्ठा वाले हैं, गुरु जी को नीचे बैठा दिए, पंडित जी को बोरा में नीचे बैठा दिए, अपनी आसन ऊपर लगा लिए, तुमको ज्ञान मिलेगा? अरे तुमको वैसे ज्ञान की जगह नहीं है, जाएगा काम ज्ञान वहां। ध्यान रखिए एक बात, कुछ लोगों को हमने देखा है भगवान का पूजन करेंगे कुर्सी में बैठ के, कुर्सी में बैठ जाएंगे, भगवान नीचे बैठेगा, अरे तुमको फल मिलेगा उनका? कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। और आपको पाप लगने वाला है, उसका फल कुछ भी नहीं मिलने वाला आपका, ध्यान रखो। भगवान की, आचार्य की, गुरु की, ब्राह्मण की यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, तो इन सभी की आसन से आपकी आसन नीची होनी चाहिए। यदि आप पैसे वाले हैं, पद प्रतिष्ठा वाले हैं, शरीर से कमजोर है, आपके बैठने की ताकत नहीं है, भगवान नहीं कहते हैं कि हमारे सिर पर आके बैठ के हमारा पूजन करो, कभी नहीं कहते। लेट के अपने पलंग में, अपने घर में, अपने जहां आपका साधन बने वहां लेट जाओ और सुन लो, पूजन कर लो, दूध ब्राह्मण से पूजन कराओ, स्वयं ना करो, वही फल मिलेगा जो आप करोगे। जिस कार्य को, उसी कार्य को यदि आप ब्राह्मण के माध्यम से करा रहे हो तो भी आपको वह फल मिलेगा, मगर अगर आप कुर्सी में बैठ करके अहंकार लेकर के और किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हो तो पाप ही लगने वाला है, आपको किसी प्रकार का फल मिलने वाला नहीं है। भगवान के सामने अर्जुन हाथ जोड़ करके बैठता, नीचे चरणों में, केशव मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे माँ मेरा मार्गदर्शन कीजिए। युद्ध में बारंबार आपने गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गति देखी होगी। अर्जुन हाथ जोड़ के बैठ जाता था, भगवान प्रभु हमारा मार्गदर्शन करो, हमारे पास, हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो आपके आश्रित हैं। तो दीनता, तीन हितकारी, भगवान ने कहा, शास्त्रों में कहा, भगवान किसके हित काम करते हैं? दीन हितकारी, दीनों के हित के लिए काम करते हैं। कहीं नहीं कहा बड़े आदमी को हित करने आए हैं, या पद प्रतिष्ठा वालों का हित करने आए हैं, किसी राजा का हित करने आए हैं, तो व्यक्तिगत रूप से आए हैं उसी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं।
आए हैं राजाओं के, मगर वो राजा भी जब देहहीन बने हैं तब आए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अर्जुन की तीसरी चाबी थी दीनता। अर्जुन कभी भगवान से, अपने बड़ों से, अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाते थे कि हम इनसे बड़े हैं, या हम इनसे विद्वान हैं, या हम इनसे बलवान हैं, ऐसे विचार अर्जुन के अंतरात्मा में कभी नहीं आते थे। जे तीन चाबियों के कारण अर्जुन को हर जगह सफलता मिलती थी और वह सफल होता था। अर्जुन के जब जे तीन गुण होते हैं तो उसका रथ कौन आता है? भगवान। इन तीन गुणों को जब तुम धारण करोगे तब तुम्हारा रथ भगवान हाकेंगे, ना कि किसी अहंकारी का, किसी क्रोधी का, किसी मोह में फंसे हुए व्यक्ति का। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यह अर्जुन की तीन चाबियां है जो हमने आपको बता दी, गुप्त रूप से बताई है, किसी ने आपको बताया नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में आप भी यदि इन चाबियों का उपयोग करेंगे, हर रास्ते आपके लिए साफ मिलेंगे, भगवान आपके रथ की बागडोर संभालेगा और सभी रास्तों को साफ करते हुए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ उपदेशात्मक प्रश्न मिले हो, सबक ऐसा कुछ मिला हो जो आपके जीवन में काम आए, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों को भी भेजें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी विषय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय श्री